हेलो गाइज, मैं हूँ अक्षय और चैनल का नाम देखकर आपको पता चल गया होगा मैं हूँ आगरा से। जी हाँ, तो ये व्लॉगिंग की मेरी पहली वीडियो है और मैं चाहता तो ताजमहल या आगरा फोर्ट से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने मरियम टॉम से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि जितने टूरिस्ट आगरा आते हैं ताजमहल और आगरा फोर्ट या अकबर टॉम देखने के लिए वो स्किप कर देते हैं। 85-90% मरियम टॉम को वो इसे देखने नहीं आते, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी पहली व्लॉगिंग की वीडियो मरियम टॉम से ही बनाई जाए। तो चलिए मैं पीछे से टिकट ले लेता हूँ और फिर देखते हैं अंदर से क्या नज़ारा मिलता है। तो यहाँ पर मैंने टिकट ले लिया है। जी हाँ, इसकी कॉस्ट है 25 रुपये। जी हाँ, अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए ये कॉस्ट होगी टिकट की 25 रुपये। और जी हाँ, मैं अंदर आ चुका हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं गार्डन, देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने इसको साफ सुथरा रख रखा है। पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन बिल्डिंग है मरियम टॉम की। तो जी हाँ, ये टॉम बनवाया था जहांगीर ने अपनी मदर के लिए। जी हाँ, जिन्हें मरियम उस ज़माने या कहें तो जोधा भाई या हरका भाई, हिस्टोरियंस ने अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेकिन उनका एग्जैक्ट नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है क्योंकि जो अकबर नामा है जबुल फजल ने लिखी थी अकबर की बायोग्राफी, उसमें जो दे रखा है वो मरियम उस ज़मानी दे रखा है, नाम जोधा भाई का अगर हम कहें तो। और जो जहांगीर है उसने अपनी जो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसमें भी उसने अपनी मदर को का जो नाम दे रखा है वो मरियम उस ज़मानी दे रखा है, यानी कि क्वीन ऑफ मदरलैंड, यानी कि जो पूरे सब की क्वीन है उस नाम से मरियम उस ज़मानी। लेकिन कोई एग्जैक्ट नाम नहीं पता जोधा भाई, हरका भाई या हीर कुंवरी क्या नाम था उनका। लेकिन देखिए यहाँ पर आप मेरे पीछे यहाँ पर बिल्डिंग देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें खास। तो यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं अंदर से ये कैसा दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है, यहाँ पर नक्काशी जो आप देख सकते हैं आमतौर पर दीवारों पर, लेकिन यहाँ बिल्कुल देखिए इसको सिंपल रखा गया है। देखिए बिल्कुल सिंपल रखा गया है इसको यहाँ पर। तो चलिए हमने अंदर से तो देख लिया ये कैसा है और अब इसकी कब्र देखते हैं। चलिए मैं आपको कब्र दिखाता हूँ, कब्र की क्या हालत है। नीचे यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, आप जा सकते हैं नीचे कब्र देख सकते हैं, हालांकि गेट लगा हुआ है तो उससे ही आपको देखना पड़ेगा कब्र को। तो चलिए सीधे यहाँ पर अब हम कब्र देखने के चल। तो यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कब्र है मरियम उस ज़माने या कहे जोधा भाई जहांगीर की माँ। यहाँ पर देखिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर जो है कब्र है वो है। यहाँ पर ऐसा कुछ खास नक्काशी अंदर नहीं की गई, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर। तो जैसे कि आपने अंदर देखा यहाँ पर इसको बिल्कुल सिंपल रखा गया है, कोई ऐसी नक्काशी नहीं करी गई है। देखिए मैं आपको एक और फैक्ट बताऊँ, यहाँ पर एक और मकबरा है एतमादुद्दौला का,
टॉम्ब है यहाँ पर, वो बनाया था जो जहांगीर की पत्नी थी नूर जहाँ ने, उसने अपने पेरेंट्स के लिए बनवाया था। तो दोनों, पहली बात दोनों में कॉमन ये है कि दोनों डोमलेस हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कोई गुंबद नहीं बनाई गई है, जैसे आप देख सकते हैं अकबर टॉम में या ताजमहल में, ऐसी कोई गुंबद यहाँ पर पीछे नहीं दी गई है इस टॉम में, मरियम टॉम में। और ख़ास बात ये भी है जो एतमादुद्दौला का मकबरा है वो इससे काफ़ी सुंदर है। जी हाँ, उसमें वहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट की भी बात करें तो यहाँ पर अगर दोनों की बात करी जाए, मरियम टॉम और एतमादुद्दौला का जो मकबरा है, दोनों में काफ़ी अंतर है। वो मकबरा एतमादुद्दौला का काफ़ी सुंदर है जो नूर जहाँ ने अपने पेरेंट्स के लिए बनवाया था, और जो यहाँ पर जहांगीर ने अपनी मदर के लिए बनवाया वो देखिए काफ़ी सिंपल है। हालांकि एक मॉस्क्यू भी है जो जहांगीर ने बनवाई थी अपनी मदर मरियम उस जमाने के लिए, वो है लाहौर में। जी हाँ, वो भी वो एक मस्जिद है हालांकि, लेकिन ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इसमें यहाँ पर अभी खास नहीं है अंदर से नक्काशी, लेकिन बाहर से मैं यहाँ पर बैग पीछे हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पीछे का हिस्सा। तो यहाँ पर बात करी जाए, जी हाँ, इसको बनाने की शुरुआत हुई थी 1623 में। जी हाँ, जोधा बाई की मृत्यु के बाद 1623 में इसको बनाना स्टार्ट करा, और यहाँ पर 1628 में जी हाँ इसको कंप्लीट कर लिया गया। क्योंकि देखिए उनकी ख्वाहिश थी कि जो उनका टॉम्ब बनाया जाए वो अकबर के सबसे करीब बनाया जाए, तो इसी यही वजह है कि जो अकबर के सबसे करीब अगर आप कोई दूसरा टॉम्ब पाएंगे तो वो मरियम टॉम्ब ही है। जी हाँ, और आसपास कोई और टॉम्ब नहीं है अकबर टॉम्ब के आसपास, यही है, यही वजह है इसको देखने के लिए। अगर आप अकबर टॉम्ब देखने आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा, इसको ज़रूर देखिएगा थोड़ा सा टाइम निकाल के। यहाँ पर 8 बजे से आप यहाँ पर आ सकते हैं, 8 बजे टिकट काउंटर जो है वो ओपन हो जाता है 8 बजे, और शाम को 7 बजे 6-7 बजे तक आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे के बीच। तो अगर आप अकबर टॉम्ब देखने आ रहे हैं, जी हाँ, तो उससे करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ये है, आप थोड़ा सा समय निकाल कर आ सकते हैं अकबर टॉम्ब, और ये आप एक ही दिन में देख सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे लगेंगे। अकबर टॉम्ब की वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए अगली बार। अगर आप दोनों देखना चाहते हैं, जी हाँ, एतमादुद्दौला का या अकबर का मकबरा अकबर टॉम्ब, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा देखना पसंद करेंगे, अकबर टॉम्ब या एतमादुद्दौला का मकबरा। तो अगर आप मुझे कमेंट आते हैं, जिसके बारे में मुझे कमेंट आएंगे ज़्यादा उसी की मैं वीडियो बनाऊंगा। कहूँ आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, जी हाँ, पहली वीडियो आई है, अब धीरे धीरे बहुत सारी वीडियो आएंगी। ताजमहल के बारे में मैं बनाने की सोच रहा हूँ, हालांकि सबको पता उसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा ताजमहल की, अकबर टॉम्ब, एतमादुद्दौला का मकबरा। जी हाँ, बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, तो तैयार हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।